आजकल बेपर्दगी बहुत बढ़ गई है। अगर रोज़े के अंदर कोई शख्स किसी नामहरम को, अजनबिया लड़की को देखता है या कोई वीडियो देखता है, गंदी फोहश वीडियो देखता है, तो ऐसी सूरत में अगर उसको इंजाल हो जाता है, उसकी मनी खारिज हो जाती है, तो ऐसे में रोज़ा नहीं टूटेगा। बहरहाल हदीस मुबारका में है कि अगर कोई शख्स झूठ बोलना और इस तरह के गुनाह करना ना छोड़े तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। रोज़े का मकसद कुरान पाक में जो हमें बताया गया है कि ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। अब जब गुनाह करेंगे तो तकवा तो हासिल होगा नहीं, तो भूखे प्यासे रहने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो नेकियाँ करते हुए, गुनाहों से बचते हुए अपने रोज़ों को कम्प्लीट कीजिए।